बड़ी खबर ये है, आपको बताते चलें, एक तरफ रूस यूक्रेन को लेकर बटी हुई दुनिया के बीच में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की गई, तो वहीं दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रों की ओर से कहा गया है यूक्रेन में शांति के लिए G20 प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा है कि रूस अभी भी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, हमने दुनिया को शांति एकता का संदेश दिया है रूस पर, यहां पर निशाना साधते हुए इमैनुअल मैक्रों। आपको बताते चले कि लगातार जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका के साथ ही, चाहे वो इटली हो चाहे वो यूके हो, इन तमाम मुल्कों की ओर से लगातार रशिया को लेकर निशाना साधा गया है, और वहीं यूक्रेन जो जंग से लगातार वहां पर जितनी तबाही हुई है उसको लेकर उनकी ओर से अपनी बातें भी G20 के मंच पर रखी गई।